दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और हैदराबाद के बस्ती क्लिनिक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी संजीवनी स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं, ताकि एक निश्चित आबादी क्षेत्र को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। प्रदेश के मेडिकल हब कहलाने वाले इंदौर शहर में बीती 7 दिसंबर को सीएम कमलनाथ द्वारा निपानिया क्षेत्र में संजीवनी स्वास्थ्य केंद्र की सौगात देने के बाद अब इंदौर को दूसरे संजीवनी स्वास्थ्य केंद्र की सौगात मिली है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने आज अपनी विधानसभा सावेर में इंदौर के दूसरे संजीवनी स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संजीवनी केंद्र खुलने के बाद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में आसानी होगी। वहीं उन्होंने लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए क्षेत्र की जनता को संजीवनी केंद्र खुलने पर बधाई दी। वैसे तो प्रदेश में 88 संजीवनी केंद्र खोले जाना है, जिनमें से 29 संजीवनी केंद्र इंदौर में खोले जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, लैब असिस्टेंट, ANM और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पर बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी को चुनौती के रूप में लिया जा रहा है और इस कमी को पूरा करने की कवायद भी कमलनाथ सरकार कर रही है। फिलहाल जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके जरिए ही बेहतर परिणाम देने के प्रयास में कांग्रेस सरकार जुटी है और संजीवनी केंद्रों के जरिए प्रदेश की जनता को अनूठी सौगात दी जा रही है, जो कि प्रदेश में नई नींव का पत्थर साबित होगी। पूरे मध्य प्रदेश में 88 संजीवनी प्रथम चरण में हम प्रारंभ कर रहे हैं। 28 भोपाल, 29 इंदौर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर और सागर और उज्जैन, ये प्रथम चरण में है। ये दूसरी संजीवनी 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने की, भोपाल में विधानसभा के अध्यक्ष शर्मा जी ने की, सागर में हर्ष यादव जी ने की और जबलपुर में हमारे मंत्री लखन गंगोरिया जी ने की। आज ये पहले निपानिया लछुड़िया में ये संजीवनी क्लिनिक एक स्वास्थ्य विभाग में नींव का पत्थर साबित होगी। जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक, हैदराबाद में बस्ती क्लिनिक, और ये हमारा सोच, ये हमारा चिंतन सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, कि कोई भी छोटी मोटी घटना हो, एक 25 से 50 हज़ार की आबादी पर एक संजीवनी क्लिनिक होना चाहिए। ये उसी भावना, उसी उद्देश्य को लेकर, उसी लक्ष्य को लेकर ये आज गरीब बस्ती में ये प्रारंभ की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।